घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। वॉइस ऑफ वीर। टिम्बक्टू, अब वीर का बचना मुश्किल है। वो इसलिए हर बार मेरे रोबोट से जीत जाता है क्योंकि उसके पास अलग अलग सिचुएशन में लड़ने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं, जिन्हें वो सिर्फ कमांड करके निकल देता है। लेकिन जब आवाज ही नहीं होगी तो कमांड कैसे करेगा? लेकिन बॉस, उसकी आवाज जाएगी कहाँ? ये देखो, ये मेरा थ्रोट जैमिंग डिवाइस है। ये उड़ती हुई जाएगी और वीर के गले में जाके उसका गला जैम कर देगी। फिर वो किसी तरह की कमांड नहीं दे पाएगा और एक साधारण रोबोट की तरह रह जाएगा। फिर मेरा मैग्नेटो जाके उसको खत्म कर देगा। बॉस लाइए, मैं देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। मारूंगा तो आपके गले से वो रोबोट भी निकल जाएगी। निकल गई बॉस, थ्रोट जैमिंग डिवाइस निकल गई बॉस। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे ऊपर कूद कूद के मुझे पीटा। बॉस, आपने जो कहा वही तो मैंने किया। ये लो, ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे खाकर खेल ले जाओ। इमली को भी खिलाना। थैंक यू दादाजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। काश दादाजी मेरा भी उतना ही ख्याल रखते। तुम्हारे लिए केक और मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए ये है। ओह थैंक यू दादाजी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। यू आर द बेस्ट दादाजी इन द वर्ल्ड। चलो दादाजी ने केक बनाया है। हाँ? चलो गार्डन में बैठ के खाते हैं। जैम हो गया है, अब वो नॉर्मल रोबोट ही रह गया है। अब आएगा मजा। मैग्नेटो आ जाओ। वो तो मैड मैक्स का रोबोट है। वीर भागो। गैजेट को कमांड नहीं दे सकता, अब क्या करूं? नॉर्मल पावर से ही काम चलाना होगा। थैंक यू वीर। ये केक से नहीं हुआ है, ये मैड मैक्स ने सोच समझ कर किया है। पहले किसी डिवाइस से वीर का गला जाम किया ताकि वीर अपने गैजेट्स को कमांड ना दे सके, और फिर अपने रोबोट को भेज दिया। अब क्या होगा दादाजी? चलो उसके गले में एक थ्रोट क्लीनिंग डिवाइस डालनी होगी,
वो ठीक हो जाएगा। कैसे जंप कर रहा है? इतनी लंबी जंप करना किसी लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है। पापा पापा, मैं कहता था ना, वीर रोबोट है, रोबो बॉय भी वीर ही है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता था। अब खुद ही देख लीजिए। वीर, मैं अभी इसे दुलट्टी मार के ठीक करता हूँ। मोल मत लो, वो तुम पर भी लेजर से अटैक करेगा। दादाजी, मेरे पास एक आइडिया है। वीर, आई एम जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। देखा तुमने, मैंने कैसा मजबूर कर दिया। भेजा है, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। सिमली, रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तो कभी फोटो खींचते नहीं, वीर के साथ खिंचवा रहे हैं। जिंटू, इन सब ने मुझे रोबो बॉय के रूप में देख लिया है। इन सबको और पूरे फुर्सतगंज को भुला दो जो भी उन्होंने देखा है। वीर, किससे बात कर रहे हो और कौन क्या भुला रहा है? कुछ नहीं अंकल।
मैं खींचता हूँ, मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो नहीं था। स्माइल प्लीज और सब भूल जाओ प्लीज। हम यहाँ वीर के बगल में ऐसे क्यों खड़े हैं? हम लोग एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे अंकल। अभी मैं बिजी हूँ वीर, फिर किसी दिन। फोटो? और वो भी तुम्हारे साथ? नो वे। मैंने कुछ मिस किया क्या? तुमने बहुत कुछ मिस किया। चलो बताता हूँ। कोई मुझे नीचे उतारो प्लीज। चिंटू मेरे दोस्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब।